यस, तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है ना। और आज का कुछ टॉपिक यार ऐसा है कि जो फॉर्मेलिटी सब्जेक्ट जितने भी होते हैं ना हमारे, तो उसी का मैं कुछ बताऊंगा कि जितने भी हमारे फॉर्मेलिटी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक्चुअल में क्या पढ़ाते हैं। मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं और वहाँ के मतलब एमसीक्यू टाइप का पैटर्न कि किस हिसाब का वो लोग टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं बेसिकली, ठीक है, और लिखवाते क्या हैं, ठीक है। तो ये सब मैं पहले डेमोन्स्ट्रेशन मतलब पहले मैंने बोल के बता दिया था, पर अब मेरे पास एक्चुअल फोटो है कि कैसे कैसे वहाँ पे क्लासेस किस हिसाब से मतलब क्लासेस में जो भी लिखाते हैं ना वो लोग, लिखाने के साथ साथ जो पूछते हैं क्वेश्चंस आते हैं वो सब मेरे पास एक है, जैसे हिस्ट्री इन सब के पूरों के हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मैं ऑलमोस्ट आपको बता ही दूंगा कि किस हिसाब से लेक्चर का क्या बेसिकली क्या रूल्स रेगुलेशंस होता है, जो भी बता रहा हूँ। तो टॉपिक का मैं क्या नाम रखूँ ये तो मुझे पता नहीं, बाद में सोच के डाल दूंगा मैं थंबनेल में, पर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी जैसा कि मैंने लेक्चर आपको उसमें लाइव वीडियो में बताया था। मैं बहुत जल्द ऐसी वीडियो लाऊंगा, तो वही चीज़ आपके सामने लाई जा रही है। सो देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। तो जैसे ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये फोटोज़ बहुत सारी हैं तो मैं यहाँ से एक एक करके बताता जाऊँगा बेसिकली क्या होता है, क्या क्या होता है प्रैक्टिकल में और जो देते हैं, ठीक है। मेरी वॉइस शायद सबको सुनाई दे रही हो, ठीक है। तो ये है सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की क्लास, जिसमें आपको अगर और मीडियम, अगर मतलब एक मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करवाया जाता है, तो ऐसे ये सब मीडियम होते हैं जिसमें वो होता है मतलब बैक्टीरिया ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये सब पूरे उसी की बायो, हम लोग की माइक्रो बायो की क्लास का ही है ये सब, जैसे आप देख रहे हैं पूरे, ठीक है। ये जैसे इलाइसा टेस्ट का हम लोग को दिया जाता था वहाँ पे, बलनोई ए और बलनोई बी मतलब पेशेंट ए पेशेंट बी का K1 K2 करके यहाँ स्पेसिमेंट डाले जाते थे, वो सब है। बीच में मेरी फ़ोटोज़ आ जाएंगी तो उसके लिए कुछ मत करना, मैंने एक्चुअली डाउनलोड किए हैं यह सब वीडियो उससे मतलब फोटोज़ जितने भी है। ये आपके स्ट्रीक मीडियम, इसमें रशियन में लिखा रहता है पर रहता पूरा इंग्लिश में है, ठीक है, मतलब ये लिखा ही इंग्लिश में रहता है पर प्रैक्टिकल के जो सामान रहते हैं पूरे इंग्लिश में ही रहते हैं, ठीक है। तो यही सब है पूरे बायो माइक्रो बायो के होते हैं। अब जैसे ये है, ये मैं बता दूँ आपका जो ये हमारा बेसिकली लेक्चर है, तो लेक्चर हम ऐसे लिखते थे, ये कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो हम लोग को फिजियोलॉजी की क्लास में पढ़ाया जाता था लेक्चर में, और ये सब हम लोग को बनाने बोला जाता था, ये डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन वो सब है ये, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ आ जाते हैं, ये पूरे लेक्चर है वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये सब हम लोग को वहीं पढ़ाया जाता था। ये सब लेक्चर में हमको ऐसी कॉपी बनानी पड़ती थी जिसमें ये सब पूरा लिखना पड़ता है, जैसे ये एक्साइटेबिलिटी रिफ्रैक्टिबिलिटी पीरियड वेंट्रिकुलर एपी का, ये माइक्रो ये सॉरी बायोकेमिस्ट्री की बुक थी जो हम पढ़ते थे सत्यनारायण, उसका टिक मार्क करके टॉपिक पर्टिकुलर। ये फिर से माइक्रो बायो का अगर मीडियम जो एग वाला है, फिर ये स्ट्रीक कल्चर जो भी हैं, और ये हैं पूरे ये क्रोवोनी अगर, ये सब पूरे मीडियम है, ये सब आप देख लेना, ब्लड अगर एंडो अगर ये सब। ये बुक है जो सीपी भवेजा, इससे हम पढ़ते थे। अभी आगे आपके पास टेस्ट पेपर आ जाएंगे, बहुत सारी है मेरे पास, ठीक है, ये सब बुक्स ही हैं। ये माइक्रोबायो की क्लास रहती थी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में लैब वर्क हमको करना पड़ता था, जैसे देख लो मैम हमको जो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता था बेसिकली हमको लिखना भी पड़ता था वो, ठीक है। तो लैब टू वर्क जो है इसमें एलर्जिक रिएक्शन IgE एंटीबॉडीज़ का, तो कॉन्क्लूजन करके पूरा ये सब ड्रॉ करना पड़ता था, मैम चेक करती थी, ठीक है, ये सब पूरा ड्रॉ करके। इसमें भी ये क्लास वर्क चेक होता था हर बार किस किस का क्या है पूरा प्रैक्टिकल। अब जैसे ये है, ये यहाँ से थोड़ा मेन है, ये देखो ये प्रैक्टिकल लेसन 3, ये माइक्रोबायो की जब हम लोग की सेकेंड ईयर में क्लास लगती थी तो ऐसे कुछ पेपर मिलते हैं, ठीक है। अब जो ऐसे पेपर मिलते हैं इसमें प्रैक्टिकल लेसन, ये एनाबॉलिज्म लिपिड, अब जैसे ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन फॉर द लेसन, ये हमको प्रिपेयर करके आने थे। हर बार जो क्लास होती थी उसके पहले एक ऐसी शीट मिलती थी एक क्लास पहले, उसमें से ये 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन रहते थे जो हम बुक से पढ़ के आते थे, और राइटिंग कंट्रोल आखिरी में जो टेस्ट होता था हम लोग का बेसिकली, उसमें ऐसे केसेस आ जाते थे, मतलब मैम बेसिकली ये सब देती थी और इन्हीं में से पूछा जाता था हमसे, ठीक है। तो ये हमको प्रिपेयर करने पड़ता था, जैसे ये है इम्पेयर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एसिटल कोएंजाइम डिहाइड्रोजन नॉट इन एंजाइम, वो इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब आता था हमारे पास पूरा, और ये हमारे पास राइटिंग कंट्रोल होते थे, ये पूरा इतना बड़ा आता था, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें, और इसी में से हमसे पूछा जाता और इसी में से
टेस्ट होता था। तो ये पूरा टॉपिक जैसे 70-80 पेज हम लोग को पढ़ के आने रहते थे हर क्लास के लिए। तो ऐसा पूरा जैसे एनाबॉलिज्म लिपिड जो मैंने दिखाया हुआ ये पूरा चैप्टर ही है उस पर, ठीक है। फिर ये हम लोग की ये माइक्रोबायोलॉजी क्लास होती थी, उसमें एमएचसी प्रोटीन इम्यूनोलॉजी की थी बेसिकली ये। तो उसमें हम लोग को ये स्टार्टिंग की क्लासेस की हम लोग लेक्चर की फ़ोटो ले लेते थे, तो वो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है तो उसी का ये सब, ठीक है। तो ये ब्लड हेमाटोलॉजी चल रही थी हीमोपोइटिक सेल्स का। फिर एक ये है जैसे प्रैक्टिकल वर्क, ये हाँ ये प्रैक्टिकल वर्क हम लोग को मिले जाते थे उसमें बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है चल तो रहा, हाँ ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में मिले जाते थे ऐसे वर्क जैसे आप इसमें प्रैक्टिकल जैसे देख सकते थे, जैसे लाइपेज ये वो है, रोल ऑफ बाइल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क टैक पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो ये सब हमको करना पड़ता था, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क है जो हम लोग को क्लास में करना पड़ता था, पैनक्रियाटिन डालो कप ऑफ टू, तो ये सब देख सकते हो यही सब है उसमें, ठीक है। ये मेरी फोटो कहाँ से आ गई है, हाँ। फिर ये एक लैब मैनुअल मिलती थी माइक्रोबायो की क्लास में, आपको एनाटॉमी का भी इसमें पता चल जाएगा। अभी मैं पूरा एक एक करके सब सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें भागना मत। ऐसे हम लोग को एक फ़ाइल मिलती थी, ये फाइल मैम के पास रहती थी, ठीक है। ये फाइल बेसिकली एक बुक का ही छापा हुआ कुछ रहता है, कुछ 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 डिपार्टमेंट खुद के मटेरियल होते हैं, पर कुछ कुछ डिपार्टमेंट अपने खुद बुक से मॉड्यूल मतलब बनाते हैं। तो ये हम लोग को वहाँ क्लास में प्रोवाइड किया जाता था, तो हम इसकी फ़ोटो खींच लेते और घर से पढ़ के आते थे, मतलब हॉस्टल से पढ़ के आते थे। तो ये सब ऐसे बुक मिली जाती थी हमको, ठीक है। और जैसे ये है, ये भी फिजियोलॉजी का है, लेक्चर का पार्ट है ये, नहीं सॉरी फिजियोलॉजी नहीं है ये, हम लोग का हिस्टोलॉजी का है। हिस्टोलॉजी में क्लास में जो होता था क्लास में बेसिकली, उसमें भी ऐसी मॉड्यूल मिलते थे ये वाले, ठीक है, ऐसी टाइप के मिलते थे, उसमें हमको लिख के आना पड़ता था। तो ये हम लोग ने लिखे हुए हैं पूरे हिस्टोलॉजी क्लास में, ऐसे डायग्रामेटिक बनाना पड़ता था, बोन टिश्यू जो भी है, ऑस्टियोलाइटिक ऑस्टियोजेनिक आइसलैंड, पूरा ऐसा बना के समझाना पड़ता था सर, इसी में से क्वेश्चन पूछते थे हमसे, मतलब जो क्लास में होता था वही। तो ऐसे आपको कॉपी वॉपी सब बनानी पड़ेगी, ये डायग्रामेटिक पूरा चेक होता था वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, और जैसे ये है, ये प्रैक्टिकल वर्क है हम लोग का फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी में ऐसे प्रैक्टिकल वर्क आते थे, प्रैक्टिकल मतलब क्लास में हमको ऐसे प्रोवाइड किए जाते थे। उसमें टास्क वन हमको जैसे कंपेयर द रेड ब्लड वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल, तो मॉडल आंसर पेशेंट का नाम ऐसे दिया जाता था, A1OFT, age 30, जेंडर उसका, रेटिकुलोसाइट 2% है, हीमोग्लोबिन 125 है, एरिथ्रो ये सब के 3.8 है। अब नॉर्मल इतना है तो हमको सर को बताना पड़ता है, अच्छा इस लेवल पे, अरे यार कहाँ से मैसेज आने लगते हैं। तो हमको सर को बेसिकली यही बताना पड़ता था कहाँ से कैसा कैसा मतलब पेशेंट के साथ हो रहा है। अब जैसे ये कैलकुलेट कलर इंडेक्स, ठीक है, तो राइट शिफ्ट है लेफ्ट शिफ्ट है ये सब पूरा बताना पड़ता है, मॉडल कॉन्क्लूजन, तो ये सब देख सकते हैं ऐसे ही आपको आया जाता है वहाँ पे, ठीक है। देन ये शीट है बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री में भी जो भी क्लास होंगी तो क्लास की आपको क्या मिलती थी, शीट मिलती थी। तो शीट में आपको ये भी मिलता था, घर ले जाने के लिए मिलता था, ये सब आप मतलब सोर्स मटेरियल बोल सकते हो, जैसे कोचिंग में मिलता था ना वैसे ही मिलता है। तो इसमें सब कुछ आता है, या तो आप बुक से पढ़ सकते हो, या तो आप ये जो मैम प्रोवाइड करवाती थी इससे पढ़ सकते हो, तो वो ग्लूकोज फॉस्फेट है उसका, ग्लूकोज ये सब, तो यही सब चीज़ें, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल जैसे ये हम लोग का मॉड्यूल कंट्रोल, जैसे यहाँ पे आपको ये फाइनल कंट्रोल दिख रहा है ना, तो ये जैसे 4-5 प्रैक्टिकल क्लासेस हो गई, उसके बाद ऐसा हम लोग का एग्ज़ाम, एग्ज़ाम नहीं जैसे मॉड्यूल आपको पता होगा, एक जाचोद होता है, जाचोद से पहले मॉड्यूल्स होते हैं, तो मॉड्यूल्स में इतने सारे पूरे लेसन के टॉपिक होते थे, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑर्गेनिजम्स ये सब, तो ये सब पूरे क्वेश्चन आपको याद करने, और यही इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। एग्जाम नहीं मतलब जो आपका मॉड्यूल टेस्ट हो रहा है बायोकेमिस्ट्री में 4-5 क्लास के बाद जो हर बार होता था उसमें, तो सबसे पहले एमसीक्यू होते थे फिर ये होता था, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे उसमें यही प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है। बाकी ये वो ही बोल रहा था, ये मैं बायोलॉजी की स्लाइड्स हैं, बायो की फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी की स्लाइड्स आपको ऐसे पहचाननी पड़ती थी, और ये दिया रहता था सेल्स पहचानने के लिए, ऐसा पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ से बता देता हूँ, ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन है एग्जाम्स की, तो ये हिस्टोलॉजी की जितनी भी प्रिपरेशन है ये आपको एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का एंड ही मतलब आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है एनाटमी का, और उसमें तो उसमें ये इतनी स्लाइड्स रहती थी ये, ठीक है। और ये वाली मतलब 52 स्लाइड, अभी तो बहुत पिछले साल से कम कर दी, नहीं तो ये 200-300 स्लाइड होती थी पिछले साल से, थोड़ी इन्हें इंपॉर्टेंट वाली बस कर दिए। तो ये आपको पूरी स्लाइड पहचानते आना चाहिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये सब आपको स्पेसिफिक नंबर 14, ये सब एग्जाम के टाइम लिख के नहीं आएगा, पर ये आप बायो हिस्टोलॉजी लैब जाओगे तब आपको ये सब दिखेगा, हार्ट मायोकार्डियम कैसे पहचानना है, स्प्लीन के टिश्यूज कैसे पहचानना है, तो ये सब आते थे।
और ये थी कुछ हम लोग की बायोकेमिस्ट्री क्लास, जिसमें हम लोग के ये पूरा हम लोग ने ही किया है। हम लोग की क्लास में जैसे क्लास चलती है ना, मैम कोई भी रिएक्शन है तो ये पूरा हम लोग को डायग्रामेटिक करवा करवा के, स्टेप वन क्या रिएक्शन जा रहा है, स्टेप टू कैसा रिएक्शन जा रहा है, ये सब पूरा होता था। और अरे यार मेरी हाँ, और ये आपकी एनाटॉमी की हम लोग को पीपीटी टाइप मिलती थी, तो पीपीटी में हम लोग को मैम ने बोला था इस टाइप का जैसे प्लान ऑफ आंसर होना चाहिए। जैसे क्रेनियल नर्व्स की एनाटॉमी जब चलती थी तो मैम ऐसे इस ऑर्डर में हमसे क्वेश्चन पूछती थी कि नंबर ऑफ पेयर कितनी है, जैसे ऑप्टिक नर्व है या ऑक्यूलो मोटर नर्व है, ठीक है, तो नेम ऑफ द पेयर। अब जैसे ऑप्टिक ही है, जैसे दो होती हैं तो टू वन पेयर बोलना है, नेम ऑप्टिक नर्व है, सेकेंड वाली है, ठीक है, फर्स्ट जैसे ऑल्फैक्टरी होती है, सेकंड कंडक्शन सिस्टम सेंसरी है, मोटर है, ऑटोनॉमिक, ये आपको बताना है, फिर न्यूक्लियाई कौन सा न्यूक्लियाई है उसका, प्रेजेंट है नहीं है, ट्रू नर्व बतानी है, फिर नर्व एग्जिट प्लेस फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से कहाँ से आ रही है, तो डायनसेफेलॉन से जाती है वो भाई, वहाँ से एग्जिट हो रही है, स्कल से मतलब कहाँ से आ रही है, तो एक्चुअली ऑप्टिक नर्व यही फॉल्स नर्व होती है, पार्ट होता है डायनसेफेलॉन का, तो ये सब आपको बताना पड़ता है। गैंगली अगर प्रेजेंट है, जैसे गैसर्स गैंगलियन होता है, ट्राइजेमिनल गैंगलियन होता है इसका, ट्राइजेमिनल गैंगलियन का, तो उसमें आपको गैंगलिया बताना पड़ेगा, फिर ब्रांचेस बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स एंड जोन ऑफ इनर्वेशन। अब जैसे ऑप्टिक नर्व है तो कहाँ कहाँ आई बॉल की ऑक्युलर मसल है उसमें दे रही है, ऑप्टिक नर्व बेसिकली रेटिना से फाइबर्स आते हैं, ऑक्युलो मोटर है तो उसके पूरे एक्सट्रेंसिक मसल्स उसकी है, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरो गैंग्लिया है, न्यूरेलजिया है, ये सब है ऑप्टिक नर्व ऐसे, ठीक है, तो ऐसे आपको प्लान ऑफ आंसर बताना पड़ता है पूरा। ये क्लास थी हम लोग की जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री की, तो ऐसे ऐसे क्लास में मतलब पीपीटी पहले मैम थोड़ा सा पढ़ाती थी, समझाती थी, फिर उसके बाद पूछती थी, तो ऐसे पूरी चलती रहती थी, तो वही हम फोटो खींच लेते थे, ठीक है। और ये लेक्चर है हम लोग का फिजियोलॉजी का, जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जैसे ये आप देख रहे हो पूरी ऐसी क्लासेस चलती थी यार, तो इससे आप समझ जाएंगे, ये है एक्सपायरेशन की क्लास, ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे, ये मेरी फोटो है, और ये है ये मेन आपको, ये जैसे आप देखेंगे एनाटॉमी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको कब होएगा, अरे क्या कर दिया है मैंने, हाँ अरे यार हाँ चलने लगा, तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सेकेंड ईयर में आप जब आपका शुरू होगा, मतलब केटी एक चैप वो है क्लास, मतलब सब्जेक्ट मान लो आपका केटी या मतलब रशियन एनाटॉमी, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ाया जाता है, जैसे ये है स्पिनोई मोज़गोवा जीतकस जैसे इसको बोलते हैं, ठीक है, फिर ये है बेलोई विशेषत्वा सेरोई विशेषत्वा, ग्रे मैटर को जैसे यहाँ पे सेलोई विशेषत्वा है, बेलोई वाइट मैटर को, ये सब आपको सीखना पड़ता है और करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था कि रशियन एनाटॉमी थोड़ी थोड़ी आपको सीखनी पड़ेगी, तो उसकी क्लासेस कुछ ऐसे लगती थी, ठीक है। फिर ये आ गया फिलोसफी, फिलोसफी का मैं आपको बता रहा था कि लेक्चर किस हिसाब के होते हैं, तो कुछ ऐसे देखते हैं फिलोसफी के लेक्चर, जैसे आपको हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ साइंस, तो ऐसे हम लेक्चर उतारते थे, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म प्लूरलिज्म पता नहीं क्या क्या भाई उस टाइम याद किया था, ऑन्टोलॉजी नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस एक्जियोलॉजी, तो ये कुछ लेक्चर होते थे हम लोग के फिलोसफी में, ठीक है, ये भी वही फिलोसफी का वही लेक्चर है, ठीक है, ये वही बायोकेमिस्ट्री की क्लास है, फिर ये जैसे मैंने रशियन एनाट बोल रहा था, तो आप जब एनाटमी पढ़ लेंगे पूरी तब आपको रशियन एनाट जैसे आएगी, तो लोबाया कोस्ट जैसे फ्रंटल बोन को लोबाया कोस्ट बोलते हैं, तेमेनाया कोस्ट जैसे पेराइटल को हो गया, फिर थर्ड है आपका ये विसोचनाया कोस्ट, ठीक है, टेम्पोरल को बोलते हैं, तो ये सब आपको याद करने, और ऐसे कुछ टेक्स्ट आते हैं, तो ये टेक्स्ट आपको पूरा याद तो नहीं होना चाहिए, पर मेन इंपॉर्टेंट जैसे मैम ऐसे करवा देती थी अंडरलाइन हमको, और ये क्वेश्चंस रहते थे हमको सॉल्व करने रहते थे वहीं, तो सीख जाते हैं, याद करो ना करो, पर ऐसे ये होती थी। ये स्लाइड मैं बता दूँ, ये बायोलॉजी की स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में आती थी, और उसके पहले भी मैम समझा देती, तो आपको पूरी याद होनी चाहिए, बहुत सारी स्लाइड्स होती थी, जैसे ये रही, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, पर होते हैं ये, जैसे एग फैसियोला हिपैटिका के एग होते थे, इसको आपको माइक्रोस्कोप में मैम जैसे इसमें नाम ढाक देती है, उस टाइम पूरी एग्जाम के लिए दूसरी स्लाइड है, पर उसमें नाम नहीं रहते, पर ये आपको सीखने के लिए, तो वहाँ बायो में पूरे ऐसे जैसे ये भी स्लाइड दिख रही होंगी इतनी सारी, तो ये सब स्लाइड रहती थी, आपको पहचाननी पड़ती थी, ठीक है। और लैटिन, लैटिन में आपको बहुत बार मैंने बोला है कि क्लासेस लगती हैं, तो लैटिन की कुछ ऐसे लगती थी, ये देखो पैरालिसिस है, लॉस ऑफ पावर, मतलब ये वर्ड्स आपको मेन सीखने पड़ते थे, जैसे अस आ रहा है, उम आ रहा है, आयरिस इरिस असोस कहाँ लग रहा है, तो ये आपको बेसिक आपको सेकेंड ईयर में लैटिन में पढ़ाया जाता है, जैसे टर्म्स इन लैटिन मेडिकल डायग्नोसिस इन टू इंग्लिश एंड मीनिंग, तो गैंग्रेन है, डायबिटिका,
डायबिटिक गैंगरी जो होती है एप्स, और ये हेप्सिस हेपेटिक, वही सब आपको पूरे याद करने हैं। गैस्ट्रिक है जो, अब जैसे अल्कस गैस्ट्राइट गैस्ट्रेस है, तो गैस्ट्रिक अल्सर जो, उसको ये नाम है एक्यूट इन्फ्लामेशन, को लैटिन में एक्यूटा इन्फ्लामेशियो बोलते हैं। तो ये सब आपको लर्न करके मैम को थोड़ा सुनाना पड़ता था, और ऐसी ऐसा डॉक्यूमेंट आता है मतलब उसका, ठीक है। फिर ये आपकी हिस्टोलॉजी की भी ऐसी कुछ हैं, जैसे ये बुकलेट बुकलेट आपको सबकी मिलेगी, ठीक है। ये वहीं पे मिलती है जब आप क्लासेस जाओगे, तब आपको ये बुकलेट मिलती है, तो आप या तो बुकलेट से पढ़ सकते हो वहीं पे, या तो अपनी बुक जैसे इंद्रवीर सिंह चलती है उससे पढ़ सकते हो, तो सेम वही रहता है। तो ये सब क्वेश्चन जैसे वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, डिपेंड होता है आंसर पर, ये सब याद होने चाहिए। इलस्ट्रेट ये करना पड़ता, हाई मैग्निफिकेशन में आपको ये कॉन्सेंट्रिक लेमेला ये सब सर को दिखाना पड़ता था। तो ये डिपेंड करता है कैसे मूड में, जैसे ये हम लोग हिस्टोलॉजी क्लास चल रही है ये सब, ठीक है। तो वही ये सब, ये आपका बोन का चल रहा है, ठीक है, हाँ बोन टिश्यू ये कॉन्ड्रोसाइट ये सब दिखा रहे हैं। तो ऐसे सर कुछ हम लोग को पढ़ाते थे। और ये फिर से वही है, क्या बोलते हैं, जैसे देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, प्रद्युम्न गौरव, 15 अप्रैल 19। तो ये आपको टेस्ट में आते थे, ऐसा एग्ज़ाम टाइप का, वहाँ एग्ज़ाम नहीं मतलब प्रैक्टिस टेस्ट बोल सकते हैं, वहाँ के छोटे छोटे जो रोज के टेस्ट होते हैं उसमें ऐसे देते हैं, नेम ऑफ द कंपाउंड, तो ये कंपाउंड देते हैं, उसमें पता होना चाहिए एल्डोस है क्या है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन इसमें क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, तो ये आपको बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में पता होना चाहिए, इसका रिएक्शन इसके साथ सुक्रोज का, तो ये सब आपको आना चाहिए, और वहाँ सिखाते हैं, ठीक है। ये मैं बताऊँगा, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर ऐसे होते थे, ठीक है। तो कैच मेमोरी ये सब आपको पढ़ाया जाता था, अल्ट्रा फास्ट मेमोरी यूज टू, ये हम लोग लेक्चर में यही सब लिखते थे, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ चिप, क्लॉक रेट, इंटरनल कैपेसिटी, ये सब फालतू का सिर्फ लिखने का है और कुछ नहीं है इसमें। ये सोचो बस में बैठ के लिख रहा था मैं, ये बस है पूरी, ठीक है, बस में बैठ के लिख रहा था मैं। और ये भी वही है, पैरेलल क्लॉक डीजनरेटर, ये सब ये हम वहीं लिखते थे, ठीक है। अब ये बायोलॉजी का बेसिकली बुक, ये बुकलेट अभी लोगों ने नहीं देखी होगी, बेसिकली ये बुकलेट मिलती है बायो में, ऐसी कुछ दिखती है। और जिसको मैं बोल रहा था आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे बहुत लोग को पता नहीं होगा, मेरे से पूछ रहे थे भैया जेनेटिक्स में कैसे प्रॉब्लम आते हैं, डीएनए इन सब में, तो भाई ऐसे आते हैं, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, आपके पास पूरी केस स्टडी दे देंगे, जैसे यंग फैमिली ऑफ न्यू बॉर्न सन, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, फीडिंग डिफिकल्टी, वॉमिटिंग, लो ब्लड शुगर, रेवे, तो आपको पहचाना, लैब रिजल्ट, मेटाबॉलिज्म, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये सब बनाना पड़ता है। ये तो आप बुकलेट में कर रहे हो, पर ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम में आता है, जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा ना उसमें भी ऐसा ही पूछा जाता है, ये तो डीएनए इन सब के क्वेश्चन, ठीक है। और ये केमिस्ट्री जो आपकी फर्स्ट ईयर में लगती है, अभी तो सेकेंड ईयर में कुछ कुछ की लग रही है, पर हमारी फर्स्ट ईयर में लगी थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ टॉपिक मिलता था, टॉपिक 5 द बफर सिस्टम, ये सब पढ़ना रहता था, नहीं भी पढ़ो तो चल जाता था, पर शीट मैम थोड़ा इधर से पूछ लेती थी। तो ये हम लोग का लेबोरेटरी वर्क रहता था, प्रिपरेशन ऑफ बफर सिस्टम एंड कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ये सब, तो ये सब आप वही देख सकते हो यार, यही सब रहता था, ठीक है। ये फिर रहता था रूल्स एंड सेफ्टी इन लेबोरेटरी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही यू कैन लीन ओवर टेस्ट, ये सब बेसिक रूल्स रेगुलेशन, रूल फॉर ट्रीटमेंट विद रिएजेंट्स, ये सब मैम केमिस्ट्री में बताया था मैम ने, ठीक है। और ये जैसे हम लोग की है बायो की क्लास ऐसे लगती थी, ये हम लोग सॉल्व करते थे, जैसे मैम फिनोटाइप ये सब पहले तो सिखाती थी, उसके बाद ऐसे सम्स रहते थे, ठीक है, ये पूरा मैम बोर्ड में आके सॉल्व करवाती थी हमसे, ठीक है, उसी के बेसिस पे नंबर देती थी। ये ऐसे घूम जाए तो सही है यार, ये घूम ही नहीं रहा यार, हाँ जैसे ये घूम गया, ठीक है। तो ये रहे जेनेटिक्स के बेसिकली प्रॉब्लम, तो इसमें देख सकते हैं आप, जैसे प्रॉब्लम 2, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ऐसे हम लोग को बुकलेट, ये बुकलेट आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, बुकलेट मिलती है, ये सब सॉल्व करना पड़ता था, और यही टाइप के क्वेश्चन इससे थोड़े टफ टाइप के आते थे एग्जाम में, तो आप देख लीजिए कैसा रहता है एग्ज़ाम, ठीक है। ये देखो, ये जैसे कोई भी, अब टेस्ट वॉज डन, बायोलॉजिकल फादर, डूड, देख लो भाई ऐसा होता है, मैं पॉज करके रखा हुआ हूँ ये, ठीक है। तो ये कुछ वहाँ का रहता था, अरे यार घूम क्यों नहीं रहा है ये, हाँ ये घूम गया। अब ऐसे ही है, इसको भी ऐसी बाजू से ही देख लेना आप, इनहेरिटेंस, ये सब पूरे क्वेश्चन है यार उसी के, ठीक है। ये आप ऐसे देख लेना, ऐसा चलता था, ये रहता था सेक्स लिंग इनहेरिटेंस, ऐसे क्वेश्चन रहते थे कलर ब्लाइंडनेस के, ठीक है, स्क्रीन थोड़ी आड़ी तिरछी करके देख लेना। तो यही 18 मिनट की हो गई यार वीडियो, और कहाँ गया।
और भी ये बहुत सारे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ गए ये ना। और जैसे ये स्क्रीन में इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े केस स्टडी आपको एग्जाम में सॉल्व करने रहते थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो है, ये भी फाइल आपकी हिस्टोलॉजी की है, जैसे ब्लड वाला चैप्टर जब हेमाटोलॉजी चलती है तो ऐसी फाइल मिलती है। ठीक है, देन ये लेक्चर ये है, ये लेक्चर किसका है भाई? हाँ, ये लेक्चर भी आपका मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स का, ऐसे लेक्चर चलते थे, यही पढ़ाते हैं भाई लेक्चर में। ये देख लो, जैसे मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स में डेरिवेशन ऑफ, डिराइव यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये इनके पूरे फॉर्मेलिटी सब्जेक्ट हैं, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे कुछ वहाँ के चार्ट होते हैं, रशियन में होते हैं पर आपको इंग्लिश में बता दिए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चार्ट रहते हैं वहाँ के, मतलब पुराने पुराने रहते हैं बहुत। ठीक है, ये वहाँ की फाइलें हैं वही हिस्टोलॉजी की, ये मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर या फिजिक्स का लेक्चर बोल लो, तो ये सब रहते हैं, मदरबोर्ड ये सब बनाओ, धंधा करवाते हैं, ये रहे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम, ये रहा। फिर ये लेक्चर टू, ये मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, तो यही लेक्चर कुछ ऐसे दिखते हैं। अब मेन चीज़ है यहाँ पे, जैसे मॉड्यूल जेनेटिक, अब जो मैं मॉड्यूल बोल रहा था, आपके जो हर दिन क्लास में टेस्ट होते हैं वो ऐसे होते थे, वेरिएंट टू वेरिएंट वन ऐसे आते थे, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वाई लिंक ट्रेड्स आर इनहेरिटेड। यार मुझे एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, ये वीडियो शायद मुझे हटानी पड़े अगर टीचर मुझे कोई बोलेगा तो, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, अगर बोलेगा तो मैं हटा दूंगा क्योंकि अलाउड नहीं है ये सब। ठीक है, जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये सब बताने आपको, लिंक जीन्स क्या होते हैं, तो इस टाइप के, जैसे आपने बायो में 12th में पढ़े रहते हैं ना, तो वैसे ही टाइप के रहते हैं, थ्योरी ऑफ बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम, शायद लायन हाइपोथेसिस का, मुझे पता नहीं अच्छे से, तो यही है। ड्रोसोफिला वाला ये देख लो, ये तो 12th का ही क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला वाला, मेल ड्रोसोफिला जो रहता है। ठीक है, फिर ये आपकी फिजियो सॉरी फिलोसफी की क्लास, ऐसे मैम पढ़ाती थी। ठीक है, यही यही सब है यार, ये फिर से फिलो, ये लैटिन की, लैटिन नाउन एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज, ये सब आपको पूरा बुकलेट मिलती है, याद आद करके जाना रहता है आपको, नॉमिनेटिव जेनेरेटिव ये सब। ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे से बच्चे बोल रहे थे, ये केमिस्ट्री में कैसे आते हैं, तो ये बहुत बेसिक आते हैं, ये केमिस्ट्री का एक पेपर है, टेस्ट पेपर जो हमसे क्लास में लिया था, ऐसे लिख के मैम को हमको देना पड़ता था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो बहुत बेसिक रहता है। ठीक है, और ये भी वही है यार, लैटिन का आपका, ठीक है, जाइगोमेटिकस वो सब पूरा लैटिन का ये, और ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी ये भी लैटिन का है, ऐसा आता था बट ये सब पूरा वही IES ये सब पढ़ना पड़ता था। ये आपके क्वेश्चंस DNA वाले सेक्शन में ऐसे आते थे। ठीक है, एंड मतलब पूरा कन्वर्ट mRNA कैसे बनेगा वो सब, और ये रशियन की बुक होती थी, रशियन में लोग बोलते भैया बुक कहाँ से, तो लाइब्रेरी से ही मिलती है, सबको मिल जाएगी, और ऐसे बुक और ऐसे क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में आते हैं, जैसे काकवाजा भूत के क्या नाम है, स्कोल का वाम लेत, क्या एज है तुम्हारी, याद कुद अभी कहाँ से आए हो, ठीक है, स्कोल का व्रिम में अभी जीवी होते मॉस्को, कितने टाइम तुम मॉस्को में रहते हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली आखिरी में। ठीक है, तो ये सब है, और ये कुछ टेस्ट पेपर है जो हम क्लास में सॉल्व करने मैम हमको देती थी, ये थोड़ा उसमें है, मतलब आपको दिख जाएगा, थोड़ी लाइट वो कर लेना, फ्लैश में खींचा था, ये मैम हमको सॉल्व करने देती थी, और इसमें हमको जैसे या खचू या कोशिश, ये आपको उस टाइम समझ आ जाएगा, मैं अभी बताऊंगा तो नहीं आएगा समझ। ठीक है, तो यही सब वही क्वेश्चन है आपके, टिक मार्क, इस बेसिस पे मैम नंबर देती थी। ठीक है, जैसे इस वाले पता नहीं किसका था, ये 3 नंबर इसको दिए थे, आपको क्वेश्चन आते, ये जैसे ये भी देख लो, ये पेपर होते थे हम लोग के, तो उसमें मैम EI ऐसे सीखते हैं रशियंस वहाँ पे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे लिखते थे, क्वेश्चन आते थे, ये आते, फिर आखिरी में ये भी, ये MCQ टाइप क्वेश्चन, ये तो या ईदू है तो क्या हो गया, वह मुझे ही हो गया, मतलब म्यूजियम जा रहे हैं, तो ये सब रहते थे, मैम चेक करती थी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इससे। ये एग्ज़ाम का पेपर है कुछ, एग्ज़ाम में रशियन में क्या पूछते हैं, प्लान रस्कज़, रस्कज़ आपको लिखनी पड़ती थी, मतलब ऐसे टाइप का, तो काकवाज़ क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ से आए हो, ये सब ये भरना पड़ता था, तो यही कुछ एग्ज़ाम में पूछते हैं आपसे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में, ये रहा तेमा दलिया पिस्मो, ये पिस्मो लिखना पड़ता, पिस्मो मतलब ऐसे ही टाइप का,
तो कोई भी टॉपिक होता था उसमें आपको ये लिखना पड़ता है रशियन में। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे ही आपके एग्ज़ाम होते हैं ठीक है रशियन में। और ये एक एमसीक्यू पेपर होता था, एमसीक्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चन की लिस्ट आती है आपको और ये आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी से मिलते जुलते ही आते हैं क्वेश्चंस ठीक है। ये फिर बायोलॉजी की स्लाइड है, देखना पड़ता है। फिर ये बायो के क्वेश्चंस, माईएफ सेल साइकिल स्टार्टिंग में आपको चलता है ठीक है। ये अत्राबोध का के लिए, जिसका अत्राबोध का मिस्ड क्लासेस के लिए पेपर देना पड़ता है, तो ये माइटोटिक फेज शोन इन द ड्राइंग तो बताना पड़ेगा, साइनेप्सिस पेयरिंग ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम किस चीज़। तो ये भाई 12th लेवल का ही है तो आप देखो। और ये हम लोग की रेटिंग ऐसे चढ़ती थी, मैम बताती थी ठीक है। जैसे ये रहा, ये मेरी क्लास का ही था और ये मेरा नाम है, जैसे काले रंग में प्रदुम्ना, उस टाइम कितनी थी भाई, 46 थी 50 में से ठीक है। तो यही ऐसी कुछ चढ़ता था यार, देख लो ठीक है। बाकी ये बायो के आप बोल रहे थे कि बहुत लोगों ने पूछा था मतलब रिप्रोडक्शन के कैसे क्वेश्चन होते, तो रिप्रोडक्शन के भाई ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, 100 प्राइमरी यूसाइड कितने होंगे, ये सब आपने किए होंगे यार बिल्कुल, ये सब नॉर्मल है, बहुत बेसिक लेवल का है ये सब। ये ऐसे ड्राइंग बना के मैम को करना पड़ता, तो यही एग्ज़ाम में आते हैं इन्हीं में, यही पूरी बुकलेट आप पढ़ लोगे तो इसी में से आते हैं ये ऐसे, डायकाइनेसिस फेज, मेटाकाइनेसिस फेज, ये सब पूरा। फिर ये प्रैक्टिकल वर्क ऐसे करना पड़ता था, देख लो अब देखने की चीज़ है। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स में बहुत लोग ने पूछा था कि आखिरी में पेपर आता है तो पूछते क्या है मेन एग्ज़ाम में, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है फिजिक्स का, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं जो हमको याद करने पड़ते हैं, एमसीक्यू की लिस्ट आती है, तो ये शायद 200-300 होते हैं। तो ये देख लो, अल्ट्रासाउंड, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्स के, तो ये सब आप याद कर लो, यही को सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो फिजिक्स ये सब फॉर्मेलिटी में यही सब होते हैं, ये पूरों के आपको प्रैक्टिस पेपर रहता था, ये करना पड़ेगा, आप याद कर लो पूरा, आंसर रट लो, आपको आ जाएगा ठीक है। ये बुक होती थी रशियन की, ऐसे कुछ बुक होती है ठीक है। और ये हिस्ट्री के लेक्चर है हमारे, हिस्ट्री के लेक्चर ऐसे होते थे जैसे एंशियंट रोम पे लिखा रहे भाई, कि स्टेट एंटिटी अपियर्स फ्रॉम 6th सेंचुरी BC अप टू 2nd सेंचुरी, ये सब, ये पूरा वो ही हिस्ट्री के लेक्चर, तो आप रीड कर सकते हैं ऐसे इसका। इट वॉज इलेक्टेड अ लॉट ऑफ ऑल सिटीजन्स, एथेंस वॉज एंगेज इन प्रिलिमिनरी कंग, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी फॉर्मेलिटी है। ये फॉर्मेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, अभी का क्या करना है इसका, बोटिक थ्योरी, ये सब लिखवाते तो लिखना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, यही बकचोदी है पूरी ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। और ये भी बता देता हूँ, ऐसे हम लोग ठंड में जाते थे कॉलेज ठीक है। और ये लेबोरेटरी वर्क होता था आपको किसमें, इसमें फिजिक्स की क्लास में, तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर नापना ये सब पूरा सिखाएंगे, तो पहले आपको पढ़ना पड़ता था पूरी उसकी फिजिक्स की, कैसा फ्लो है ये सब याद करना पड़ेगा ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो था, अच्छा मेरे ही लिखा हुआ है पीछे 2 साल पहले, ये डैश, ये सब क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता था, टीचर चेक करता था बेसिकली ठीक है। ये क्वेश्चन है फिजिक्स के देख लो ठीक है, तो और ये रशियन स्टूडेंट भी यही पढ़ते हैं, तो ये सब आपको पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड फ्लो, लैमिनर इन कैपिलरी, ये सब याद कर लो तो पता चले। ये रहा हम लोग का फिजिक्स का लेक्चर, ऐसा होता था हम बैठे रहते थे और सामने ऐसे चलता रहता था मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्स एमिशन ठीक है, ऐसे क्लासेस हैं वहाँ की। ये अब इतना ही है ठीक है। और दूसरा मैं बताऊँ तो एक मेरे पास इसमें, ये आपको एनाटमी का दिख जाएगा ठीक है। एनाटमी में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यार, बोन्स एंड कनेक्शन, जैसे एनाटमी में जो आपके ये होते हैं ना मॉड्यूल्स होते हैं, जो तो मॉड्यूल्स में आपको ऐसा आते हैं, जैसे 1st टू 8th जो आपको ये शोइंग है ठीक है, ये आपकी क्या है, अपर स्कल ट्रंक, हाँ ठीक है, ये अपर लिम इन सब का चल रहा है बेसिकली, फिंगर्स और ये क्रेनियल पार्ट का, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नंबर 7 वेरिएंट है ये, तो ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको दिखानी है, सैक्रम के पूरे पार्ट शो करने हैं आपको, एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस दिखानी है, उसमें आपको बोन्स, मतलब ये आपका वाइवा है पूरा, जो 1st से लेके 8th तक है ना वाइवा में आपको शोइंग है ये ठीक है। और फिर 3 क्वेश्चन ऐसे आते थे 1 2 3 करके, जिसमें थोड़ा ऐसे के जैसा होल, ये सब आपको समझाना पड़ता है टीचर को, तो ये एक उसका पीस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, और ये बड़ा सीरियस वाला एग्ज़ाम होता है ठीक है, इतना बता दूँ। ये ऑर्गन्स की क्लास के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, रिव्यू स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ट्रैकिया, इन सब का, तो इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट ऑर्गन्स। और ये फाइनल एग्ज़ाम, जो वहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंट्रोल क्वेश्चन, तो आपको एक फाइनल को, अब जैसे बाहर, जैसे ये देख लो आप, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऐसे समझाना है कोई भी, जैसे ऑर्गन का नाम, रशियन नेम भी उसको याद होना चाहिए, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, लोब क्या क्या हैं उसके, हॉलो ऑर्गन है क्या है, उसकी लेयर्स हिस्टोलॉजिकली समझानी पड़ेगी, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका समझाना पड़ेगा, फिर टोपोग्राफी ऑर्गन की,
ठीक है। अब जैसे गोलोटोपिया मतलब किस रीजन में वो आता है, एपिकोंड्राइल ये सब जो एपिकोंड्राइल बोल रहा हूँ, एपिगैस्ट्रियम ये सब रीजन, स्केलेटोटोपी किस लेवल ऑफ क्या मतलब वर्टिब्रा में आता है, और सिनटोपी उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ कवरिंग पेरिटोनियम में जैसे रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है या बहुत सारे पेरिटोनियम होते हैं, तो उस बेसिस पे आपको बताना है। और फंक्शन ऑफ ऑर्गन, तो जैसे रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी आपका फाइनल एग्जाम का एक क्वेश्चन ऐसे आएगा रिव्यू ऑफ ऑर्गन, तो उसमें आपको ना जैसे जो मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम बता रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ, तो उसमें से ये पूरा एक क्वेश्चन रहेगा, और उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके लेफ्ट ब्रोंकस ऐसे नीचे तक, तो इस टाइप के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी वही है ब्रोंकियल एंड एल्वियोलेट्री, जैसे सेकंड क्वेश्चन ये आया आपके पास लंग्स के ऊपर, ब्रोंकियल एंड एल्वियोलेट्री एनाटॉमी ऑफ प्लूरल मीडियास्टेनम, तो ये पूरा आपको ऐसे समझाना पड़ेगा। ये भी वही है सजाइटल सेक्शन एनाटॉमिकल डमीज, ठीक है। ये आपको इंटरनल ऑर्गन्स की ऐसी एक जो छोटे टेस्ट होते हैं जो मैं बोल रहा था, जो मॉड्यूल सेक्शन होते हैं उसमें ऐसा आएगा, इतने सारे 15 शोइंग होती है, ये पूरी शोइंग है, नेजल कॉन्ग का बताना है, सुपीरियर नेजल कॉन्ग का, इंफीरियर नेजल कॉन्ग का, ये सब हार्ट पैलेट राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स गैस्ट्रिक, और ये तीन क्वेश्चन होते थे, स्टमक है तो पूरी उसकी टोपोग्राफी बताओ, रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस हार्ट के, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रशिया में किस हिसाब के पेपर दिखते हैं, किस हिसाब के एग्जाम होते हैं, ठीक है। फिर ये लेसन 4, ये आपके वही जेनेटिक्स का रिलेटेड या एमसीक्यू बायो में ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लो यही, ठीक है। और ये आपके फाइनल एग्जाम जो बायो में फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे प्रॉब्लम, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हो कैसा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्सलिंक रिसेसिव डिस, ये केस आते हैं ऐसे, और ब्लड टाइप रिजल्ट ऑफ 3 एलील्स ऑटोसोमल, तो इसमें पूरा बताना पड़ेगा आपको लिख के, और यही मैम चेक करती है, ठीक है। ये तो हिस्टोलॉजी की स्पेसमैन है, और ये मैं बता दूँ ये एक मैम का जैसे एनाटमी वाली हम लोग की मैम है, तो ये मार्क्स की रेटिंग जो चढ़ती थी ना हम लोग की ऐसी चढ़ती थी, जैसे आप देख लो फर्स्ट जो होगा मेरे ग्रुप में, पता नहीं सब में देखो 0 0 0 0, पहले के 4 में 0, फिर 4 4 3 3 दिए हुए मैम ने, 4 4 5 4 5 5, ठीक है, ये वाला साइन जो है मतलब स्टूडेंट एबसेंट है, आखिरी में 12 में से रेटिंग होती थी, किसी को 2 मिले 2, किसी को 10, 12 में से 12 मिल गए 12, ऐसे तो ऐसा कुछ दिखता है मैम जो नंबर देती थी हम लोग को, ये देखो ऐसा दिखता है एनाटमी के, और हर क्लासेस का ऊपर लिखा रहता था किसके नंबर कितने हैं उसमें, ऐसे मैम नंबर देती थी, ठीक है। तुमने छक्के से खींच लिया था ये, वही सब, अब यहाँ पे अच्छा हुआ था 5 5 5 5 सबको मिले थे, तो 10 में से 12 9 ऐसे ही मिलते थे, और आखिरी आखिरी में सबके अच्छे हो ही गए थे 5 5 5, ये मेरे ग्रुप में देख लो 5 5 5 5, 4 4 4, ऐसे लगते रहते थे वहाँ नंबर, वही है ये भी। फिर ये आपका बायोकेमिस्ट्री का रहता था, बायोकेमिस्ट्री में एग्ज़ाम होता था, उसमें ऐसा आता था सिंपल प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल लेसन 1, फर्स्ट प्रैक्टिकल लेसन में कुछ ऐसा आपको आएगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, 2 नो लिखा हुआ जैसे, तो ये सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन एग्जाम मतलब क्लास में हम ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, और रिटन कंट्रोल जो आखिरी में पेपर मतलब पूरी क्लास के बाद एक छोटा टेस्ट होता था, उसमें ये सब क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते थे, इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते थे, ठीक है। देन यही आपको वही स्केलेट चिलोवे का, ये रशियन एनाट में ऐसा आता था, फिजियो ये फिजियोलॉजी का मैनुअल वर्क है, फिजियोलॉजी में ऐसी बुक्स मिलती थी हम लोग को जिसमें हम लोग को रोज की क्लास में करके जाना होता था, तो ये बुक आपको खरीदनी पड़ेगी वहाँ से, 50 रुपये की सर देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड जो मॉड्यूल होंगे उसके लिए खरीद लेना, उसके बाद तो ज़रूरत नहीं रहती, फर्स्ट पहली बार बस मेन ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो वही है ये, ठीक है, ये भी वही है एक्शन पोटेंशियल मेजरिंग, इसमें अच्छा रहता है बुक में मतलब लिखा रहता है सब, ठीक है, तो बस वही है, और ये भी वही है यार, पूरा मॉड्यूल वर्क ही है, ये भी ऐसे चलता रहता था, ये न्यूरोलॉजी क्लास, न्यूरोलॉजी नहीं एक्शन पोटेंशियल की है बेसिकली ये, ठीक है, और बस इतना ही है। और ये भी देख लो प्रैक्टिकल लेसन बायोकेम का, ये ऐसे टेस्ट होते हैं बायोकेम के, ऐसे ऊपर क्वेश्चंस आएंगे प्रिपरेशन के लिए, और ये रिटन कंट्रोल रहते हैं, ये मैम मतलब ऊपर वाली मैम आपसे पूछेंगी इतने सारे क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 2 3, और रिटन कंट्रोल में आपको लिखन लिख के मैम को दिखाना है, ठीक है। और वही है ये, और ये जैसे स्पाइनल नर्व्स का एनाटमी है, तो ये भी वही है, ये पैरासिम्पेथेटिक का आउटफ्लो है, 10th नर्व वेगस नर्व का आपको बताना है, एक्सटर्नल मसल इनर्वेशन आएगी, तो एब्ड्यूसेंस है, ट्रॉक्लियर है, ये सब, और ये शो करना रहता है ऑब्टुरेटर नर्व, फेशियल नर्व, ये सब आपको शो करना है,
ठीक है, ये फिजियोलॉजी के एमसीक्यू रहते थे बेसिकली, पीछे तरफ से देख लेना कैसे दिखते हैं ये, मैं फ़ोन नहीं मोड़ रहा हूँ अपना। ये फ़िलासफ़ी के क्वेश्चन ऐसे आते थे, ठीक है, ये फ़िलासफ़ी के फाइनल क्वेश्चन थे जो आपको याद करने रहते थे, ठीक है, और इन्हीं में से आखिरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर ये सेल्फ फिजियो का, हाँ, बायोकेमिस्ट्री में मॉड्यूल के क्वेश्चंस ऐसे रहते थे, एग्जामिनेशन कार्ड नंबर 7, तो उसमें ये ड्रॉ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड मार्क द एलिमेंट, ये सब पूरे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और आने चाहिए, ठीक है। ये रहे और अनबॉक्स स्टेट मेडिकल, सेल फिजियोलॉजी, ये सब तो वही सब है यार ये सब। और फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज ऐसे टाइप के कुछ रहते थे सेल फिजियोलॉजी के, तो यही आने चाहिए। बहुत सारे वेरियंट रहते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे ये सब, अब पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। बस इतना ही है, तो मैं ऑफ करता हूँ, 34 मिनट की हो गई। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और होप ये अच्छी वीडियो हो आपके लिए।